हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। जी हां दोस्तों, अगर आप एक सीएनजी की हैचबैक कार लेना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंस भी हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो, तो वही लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ZXi CNG के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी आखिर क्यों वैल्यू फॉर मनी है और क्यों फीचर सबसे ज़्यादा अवेलेबल आपको मिलते हैं इस कार के अंदर, और ये कार कितना माइलेज आपको क्लेम करती है इस इंजन CC के साथ में, तो दोस्तों इस वीडियो में बस वही बात करेंगे पूरा डिटेल से कि आपके लिए ये कार क्यों प्रेफरेबल है और क्यों आपको लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस कार के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। तो इस कार का एक्स शोरूम प्राइस सिर्फ मात्र 5,53,000 रुपये अवेलेबल होता है दिल्ली NCR के लिए, जो इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कार के अंदर क्या क्या फीचर आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इस कार की चाबी के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार की चाबी आपको कुछ इस तरीके से अवेलेबल होती है। चाबी आप देख सकते हैं, आपको ब्लू कलर की अरीना की बैजिंग के साथ ये नज़र आती है। सुजुकी का लोगो आपको इस पे देखने के लिए मिलता है। साथ में गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के फंक्शन आप देख सकते हैं, आप गाड़ी को इजीली लॉक और अनलॉक आराम से कर सकते हैं। और कभी अगर गाड़ी की पार्किंग में आप अपनी गाड़ी को खड़ा करके भूल गए हैं तो आप इजीली इस दोनों बटन को दबा के रखिए 5 सेकंड के लिए, तो आप इजीली अपनी कार को कहीं से भी पार्किंग में ईजिली एक्सेस कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के अंदर जो फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल की स्टाइल के बारे में बात करेंगे। काफ़ी एरोडायनामिक आपको इस कार का स्टाइलिंग प्रोफाइल मिलता है और इस स्टाइलिंग प्रोफाइल की वजह से इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर करती है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फीडबैक इस कार के साथ अवेलेबल होता है। सिंपल एंड श्योर आपको मिलता है इसका बोनट डिज़ाइन देखने के लिए, काफ़ी एरोडायनामिक है जो आपको फ्यूल एफिशिएंसी और गाड़ी की ड्राइविंग के टाइम पे काफ़ी मदद करता है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है आपकी ड्राइविंग स्टेबिलिटी के लिए। आपको यहाँ पर हेडलाइट मिल जाती है हेलोजन बल्ब के साथ में, साथ में इंडिकेटर का पार्ट आपको इसके अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो फोग लाइट की हाउसिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फोग लाइट भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिल जाती है ZXi वर्जन के साथ में ही। वहीं दोस्तों बात करें ग्रिल के बारे में, तो काफ़ी स्टाइलिशिक क्रोम ग्रिल आपको नजर आती है जो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है, जिसका जो लुक है फ्रंट प्रोफाइल से इस कार की लुक को और भी डिसेंट बनाता है। वहीं दोस्तों अब इसके साइड प्रोफाइल में भी बात कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरीके से ये कार आपको नज़र आती है। इसका जो साइड प्रोफाइल है वो काफ़ी एरोडायनामिक आपको मिलता है, आप देखेंगे पूरा का पूरा डायनेमिक एरोडायनेमिक ये शेप आपको मिलता है। और सबसे अच्छी बात है इसके फेंडर और इसकी जो करेक्टर लाइन्स हैं वो काफ़ी स्टाइलिश रखी गई हैं। वहीं बात कर लेते हैं इसके टायर की डायमेंशन की, सिल्वर कलर का डायमेंशन अलॉय व्हील आपको जो मिलता है काफ़ी स्टाइलिश मिलता है, डायमंड आप इसको बोल सकते हैं या आपको इसको सिल्वर सिंगल टोन कलर का भी बोल सकते हैं, जो 15 इंची के टायर्स के साथ आपको अवेलेबल होता है। और ट्यूबलेस टायर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। जो अलॉय व्हील का कलर है वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सिल्वर कलर का रेड कलर के साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो और भी ज़्यादा डिसेंट आपको नजर आता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं ए पिलर्स, बी पिलर, सी पिलर के बारे में। तो यहाँ पर ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर तीनों ही आपको ब्लैक टेप आउट मिलते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की गई है और काफ़ी अच्छे से उसकी स्टेबिलिटी को बना के रखा गया है, ताकि आपका जो डिज़ाइन है केबिन का वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आए। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको आउटसाइड मिरर मिलते हैं, जिनमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। साथ में LED इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डोर हैंडल के बारे में, तो डोर हैंडल सिर्फ आपको ड्राइवर साइड में ही देखने में मिलते हैं, क्योंकि जो पीछे वाले आपके डोर हैंडल्स हैं वो आपको विंडो, आपकी जो विंडो है उसके अंदर फिट आपको मिलते हैं। थोड़ा सा स्टाइलिश है वो आपको देखने में नजर तो नहीं आते, बट आप देख सकते हैं ये आपके डोर हैंडल पीछे वाले दरवाजे के मिलते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन देखने के लिए मिलता है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेम कलर का डोर हैंडल है, यहीं पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन है। साथ आपको काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, आप इजीली गाड़ी के अंदर इन एंड आउट हो सकते हैं, और आप बटन से ही गाड़ी को दबा के रखें तो गाड़ी के अंदर आप आराम से जा भी सकते हैं और बाहर भी निकल भी सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करेंगे अब रियर प्रोफाइल के बारे में, तो रियर प्रोफाइल से कार कुछ इस तरीके से नज़र आती है। काफ़ी अच्छी स्टाइलिश चीज़ें आपको पीछे की तरफ मिलती है। सबसे पहले आपकी नज़र ऊपर की तरफ एंटीने पे नजर आएगी, वहीं इसकी हाई स्टॉप माउंट लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। डीफोगर, वाइपर, वॉशर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। CNG मॉडल है तो CNG का बैज आप यहां देख सकते हैं, आपको ZXi मॉडल के अंदर CNG का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी दोस्तों हम ये गाड़ी की जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो मोटोग्राफ्ट गाजियाबाद में शूट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप कोई भी अरीना की कार लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप इस पर कॉल करके बेस्ट डील बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रियर प्रोफाइल में इसकी रियर लाइट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो रियर लाइट का जो कॉम्बिनेशन डिज़ाइन है वो काफ़ी डिसेंट सा रखा गया है। पूरा का पूरा पैटर्न आपको LED शेप में मिलता है, साथ में साइड में स्विफ्ट की बैजिंग क्रोम के साथ मिलती है। फ्यूल डलवाने के लिए आप पेट्रोल फ्यूल यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, और CNG वाला फ्यूल कहाँ से फिल होता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ।
रियर बम्पर की अगर बात करें दोस्तों, तो रियर बम्पर आपको मिलता है 4 eyes पार्किंग सेंसर के ऑप्शन के साथ में। इस मॉडल के अंदर सिर्फ एक ही कमी मुझे नजर आती है, इसके अंदर कैमरा आपको नहीं अवेलेबल होता है, बट कैमरा इस मॉडल के आप अंदर आप एड ऑन भी करा सकते हैं, जो सबसे अच्छी आपको इसके अंदर कन्वीनियंस मिल जाता है। बाकी दोस्तों फुली लोडेड मॉडल है, सारे फीचर्स की जो जरूरत की चीज़ें होती हैं वो सब आपको प्री लोडेड इस मॉडल के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं। CNG की रिफिलिंग के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ड्राइवर साइड है उसके बैक साइड में ही आपको CNG का ये आपको मिल जाता है, फ्यूल लेवल मिल जाता है देखने के लिए। आप यहाँ पे इजीली CNG, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलता, तो इजीली इसको आप देख सकते हैं बहुत आराम से बाहर निकल भी सकता है। बाकी दोस्तों काफ़ी लोग बोलते हैं कि चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट आप जब गाड़ी चलाते हैं तो इजीली लॉक हो जाता है, और इसके अंदर 3 pattern लॉक दिया गया है जो आराम से नहीं निकलता है। अगर आप इसमें निकालने की कोशिश करते हो तो ड्राइवर साइड से आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर आपकी गाड़ी के अंदर जो आपका CNG का जो लेवल है उसे निकालने की कोई कोशिश कर रहा था, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों CNG के बाद, सील लगने के बाद कितना स्पेस आपको कार के अंदर रियर प्रोफाइल में मिलता है। तो सबसे पहले पार्सल ट्रे आपको मिलती है, आप अंदर गाड़ी के अंदर अगर कोई सामान रखना चाहते हैं अपने बूट के अंदर तो वहाँ पर आप छुपा के आराम से रख सकते हैं। स्पेयर व्हील को लगाने निकालने के लिए काफ़ी अच्छी सी सहूलियत आपको मिलती है, जिसको आप बहुत इजीली हटा भी सकते हैं और वापस से लगा भी सकते हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली रिमूवेबल आपको स्पेयर व्हील यहाँ पर ऑप्शन के साथ मिल जाता है। जो इसका हैंडल है वो भी काफ़ी अच्छे से है, बहुत आराम से आप इसको हटा सकते हैं और वापस से लगा भी सकते हैं। CNG 55 लीटर के आसपास की फ्यूल कैपेसिटी आपको मिलती है। केबन के अंदर एक लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि इस सेगमेंट के अंदर आपको CNG के अंदर बूट के अंदर एक लाइट एक्सेस करने का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। रियर सीट 60/40 फोल्डेबल ऑप्शन के साथ नजर आती है, आप देखेंगे जो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उनको सफर के दौरान में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और दोनों ही हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, 3-point सीट बेल्ट आपको पीछे की तरफ मिल जाती है। अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल में आपको क्या खास मिलता है। तो रियर प्रोफाइल में अगर बात करें, सबसे पहले आपकी नज़र इसके इंटीरियर पे पड़ेगी, जो ब्लैक कलर का इंटीरियर है वो काफ़ी आपको एटमॉस्फेयर बनाता है केबिन को, काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बनाता है। नीचे बोतल होल्डर का, स्पीकर का स्पेस, साथ में क्रोम का डोर हैंडल आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी आप इस सेगमेंट की कार अगर देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ सिल्वर एक्सेंट का ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये आपका फायर सेफ्टी सिलेंडर आपको इसके अंदर मिलता है। थाई सपोर्ट आपको ठीक ठाक मिलती है इस सेगमेंट के अंदर, अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी सी थाई सपोर्ट आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छा केबन स्पेस आपको मिलता है, हेडरूम आपको काफ़ी बेहतर मिलता है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज आपको देखने के लिए मिल जाता है। हेडरेस्ट की बात करें तो आपको हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप इस सेगमेंट के अंदर हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट का भी ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सीट को 60/40 फोल्डेबल के हिसाब से फोल्ड भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वाली सीट फोल्ड करनी है तो ये भी फोल्ड कर सकते हैं, अगर दूसरी साइड वाली सीट फोल्ड करनी है तो वो भी आप इजीली फोल्ड करके केबिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है आपका केबिन का स्पेस रियर प्रोफाइल का। जो हेडरूम है वो भी आपको डिसेंट मिलता है, हेडरेस्ट आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी थाई सपोर्ट और काफ़ी अच्छा लेग रूम आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड केबिन के अंदर क्या खास मिलता है। तो ड्राइवर साइड केबिन के अंदर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो आपको इस सेगमेंट के अंदर सबसे पहले इस कार के अंदर ही देखने के लिए मिलती हैं। क्रोम का डोर हैंडल आप यहां देख सकते हैं, आप देखेंगे यहां पर क्रोम का डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है। सिल्वर एक्सेंट की जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज की गई है, फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है ब्लैक कलर का। नीचे छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस, बोतल स्पेस और स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे आपको ट्विटर की जगह भी देखने के लिए मिल जाती है, आपको ट्विटर भी प्रीलोडेड ही अवेलेबल होता है। ड्राइवर को ड्राइवर की सीट हाइट सिर्फ ड्राइवर साइड में आपको सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है। ये जो सीट कवर आप देख रहे हैं मारुति जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट है, आप किसी भी मॉडल के अंदर ये सीट कवर एड ऑन करा सकते हैं VXI एंड ZXI के अंदर, क्योंकि इनके दोनों के अंदर आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं हाइट के हिसाब से। सीट की कंफर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल सीट आपको मिलती है, ड्राइवर सीट हाइट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको इस कार के अंदर मिलता है देखने के लिए, जिस पे आपको स्टीयरिंग पे ही म्यूजिक के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे नजर आते हैं। बाकी दोस्तों केबिन के अंदर आपको यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए मिलता है, CNG के लेवल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको ESP ब्रेक असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, हेडलाइट की लेवलिंग आप देख सकते हैं, हेडलाइट की लेवलिंग को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों कार के अंदर बैठ के देखते हैं कार के अंदर क्या खास चीजें मिलती हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी कार को मैंने कर लिया है स्टार्ट, आप देखेंगे कार की जो नॉइस है वो बहुत लाइट है, आपको केबिन के अंदर किसी भी तरीके का साउंड आपको नहीं मिलता है। To enjoy a night version.
आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको केबिन के अंदर काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। सबसे अच्छी बात इसका जो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है ये काफी बढ़िया आपको डिजाइन के साथ मिलता है। ग्रेज फिनिशिंग जो दी गई है वो काफी अच्छे से डिजाइन की गई है, साथ में सुजुकी का लोगो, क्रोम का काम, म्यूजिक स्टीरियो के कंट्रोल, आपका फोन कनेक्टिविटी भी आपको यहीं पर मिल जाती है। उसके अंदर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आप देख सकते हैं जिसमें आपको डिजिटल एनालॉग दोनों ऑप्शन मिलते हैं। और कॉकपिट स्टाइल में दिखने वाला ये जो डिजाइन है ना ये काफी अच्छे से आपको डिजाइन करता हुआ मिलेगा। काफी अच्छी रेसिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं, आपके आरपीएम वगैरह कितने अच्छे से यूटिलाइज करती है, साथ में सीएनजी पेट्रोल के लेवल आपको एक ही फ्यूल इंडिकेशन के अंदर नजर आ जाते हैं। स्टीयरिंग की बात करें दोस्तों हाइट के हिसाब से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर कर सकते हैं, नीचे करना चाहते हैं तो नीचे भी कर सकते हैं। एसी वेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर एसी वेंट मिलते हैं आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ में। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे क्रोम की जो फिनिशिंग है वो काफी अच्छी है, ग्रेस कलर का कॉम्बिनेशन आपको पूरे डैशबोर्ड पे देखने के लिए मिलता है। म्यूजिक स्टीरियो की बात करें तो दोस्तों मल्टी इन्फॉर्मेशन स्टीरियो आपको मिलता है जिसमें आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड जैसे एडवांस फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं प्लग इन के थ्रू, यानी कि आपको केबल कनेक्ट करना पड़ता है। और उसके अलावा काफी सारे व्हीकल से के अपडेट भी आपको इसके अंदर प्रीलोडेड अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी नीचे की तरफ दोस्तों बात करते हैं तो नीचे की तरफ आपको केबिन के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी, छोटा मोटा आपका फोल्डर का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। एसी वेंट जो आपका गियर नॉब की नॉब है उसके चारों तरफ सिल्वर कलर का पोजीशन आप देख सकते हैं, गियर नॉब की पोजीशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल की गई और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल काफ़ी अच्छे से काम करता है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे बटन तो आपको कंट्रोलिंग के लिए मिलते ही मिलते हैं, जिसका लुक और भी डिसेंट आपको नजर आता है। केबिन के अंदर आपको बैक व्यू मिरर मिलता है, एक यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है जिसपे एक ग्लास का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, दूसरी तरफ सिर्फ आपको टिकट होल्डर का ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। बैक व्यू मिरर आपको सिंपल मिलता है, इसमें कोई भी किसी तरीके का ऑटोमेटिक फंक्शन आपको नहीं मिलता, केबिन के अंदर सिर्फ एक ही लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी दोस्तों एसी की अगर बात करें तो अभी मैंने एसी ऑन करा हुआ है तो काफ़ी अच्छे से एसी कूलिंग कर रहा है और काफ़ी अच्छे से केबिन के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल ठंडा महसूस करा रहा है, तो हो सकता है वेदर की भी अच्छी हो। और बाकी इसका एसी काफ़ी अच्छे से काम करता है और काफ़ी काबिल तारीफ इसके अंदर फीचर्स भी आपको एसी के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कार के इंजन के बारे में। तो इंजन का सबसे पहले आपकी जो नज़र पड़ेगी इसके बोनट पे पड़ेगी, क्योंकि बोनट के अंदर एक अलग तरीके की इंसुलेशन दी गई है फैब्रिक की, ताकि आपकी जो गाड़ी का इंजन का केबिन है वो काफ़ी साइलेंट हो सके और जो इंजन के अंदर वाइब्रेशन है वो आपको फील ना हो सके। हालांकि 1.2 सीसी का ये इंजन है और वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती है। और सीएनजी की जो फिटमेंट है वो काफ़ी अच्छे से की गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सीएनजी की जो फिटमेंट की गई है वो काफ़ी यूनिक तरीके से की गई है। और इसीलिए मारुति लगभग 5 साल की आपको वारंटी भी 1 लाख किलोमीटर तक की अवेलेबल कराती है सीएनजी के सभी वेरिएंट पे, इवन पेट्रोल वेरिएंट पे भी आपको 5 साल तक की वारंटी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। बाकी दोस्तों अगर बात करें इस इंजन की पावर के बारे में तो 89 पीएस की पावर जनरेट करती है और 113 एनएम का टॉर्क भी जनरेट करती है। इसके साथ साथ अगर गाड़ी के माइलेज की अगर बात कर ले तो 31 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये कार सीएनजी पे क्लेम करती है, वहीं पेट्रोल पे ये कार लगभग आपका 23 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का एवरेज क्लेम करती है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर सेफ्टी की अगर बात की जाए तो गाड़ी के अंदर आपको डुअल एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आपको दोनों तरफ मिलते हैं, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों तरफ, यानी कि जो आपकी पैसेंजर केबिन है उसके अंदर भी आपको पीछे वाली सीट पर देखने के लिए आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाते हैं, यानी कि सुरक्षा का पूरा ध्यान आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। मारुति ने पूरा अच्छे से डिज़ाइन किया है, इसमें सारी सुरक्षा के मानकों को पूरा किया है और ये हार्टटेक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई डिज़ाइन हुई भी कार है। जो हार्टटेक प्लेटफॉर्म है मारुति की तरफ से उसकी रिकमेंडेशन आती है हमेशा कि नॉर्मल स्टील से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील का इस्तेमाल करके बनती है। और ये आपकी एक्सीडेंट के कंडीशन पे केबिन के अंदर जो एक्सीडेंट का जो लेवल है वो कम से कम पहुंच सके वो पूरा का पूरा सिक्योर करती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं और जल्दी एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ में अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं और दोस्तों इन सब के लिए आप पैसे भी खर्च करते हैं। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते रहेंगे अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।